दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में, और आज हम बात करेंगे ग्रहों की युति के बारे में। युति का अगर मैं एक शब्द में आपको अर्थ बताऊं तो युति का मतलब होता है दो या दो से अधिक ग्रह जब एक ही घर में बैठे हों तो उसका हमें जो परिणाम मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, और वो दो या तीन जो ग्रह हैं वो किस तरह के रिजल्ट्स हमें देंगे उस एक हाउस में बैठकर। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं आज कन्या लग्न की कुंडली। तो अगर कन्या लग्न की कुंडली यहाँ पर बनती है तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका फर्स्ट हाउस है उस फर्स्ट हाउस में आपके लिखा होगा सिक्स नंबर। देखिए ये पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये हाउसेस हैं जो फिक्स रहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। और साथ साथ में मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि कौन कौन से मित्र हैं शत्रु हैं, यह राशियां हैं, यह इनके स्वामी हैं। आज बात करेंगे हम कन्या लग्न की कुंडली के अंदर अगर दो ग्रह एक साथ बैठे हों तो कैसे परिणाम देंगे। कन्या लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो पहले लग्न यानी कि पहले घर के अंदर ही लिखा होगा सिक्स नंबर, देन यहां पर लिखा होगा आपके सेवन, देन यहां पर लिखा होगा आपके एट यानी जो तीसरा घर है उसमें लिखा होगा एट, यहां पर लिखा होगा नाइन, यहां लिखा होगा टेन, यहां लिखा होगा इलेवन, यहां लिखा होगा ट्वेल्व, यहां लिखा होगा वन टू थ्री फोर फाइव। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा भी आएगा समझने में, और समझ में आएगी भी चीज, ये 100% है। और जिस हिसाब से आप कमेंट करते हैं एक एक चीज खुद ही बता देते हैं तो आप ज्योतिष में बहुत आगे जा रहे हैं। और हाँ मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहूंगा आप लोगों को, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ग्रहों के अकॉर्डिंग जो हम रत्न पहनते हैं वो टॉपिक भी आज यहाँ पर थोड़ा बहुत कवर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर सिर्फ हमने कहीं पढ़कर रत्न धारण कर लिया तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स कितने ज्यादा हमें बेकार मिल सकते हैं, यानी परेशानी वाली स्थिति क्रिएट हो सकती है, तो वो भी मैं चीज आपको क्लियर करूंगा। और रत्नों के बारे में मुझे इतनी जानकारी क्यों है, क्योंकि आज से कई साल पहले ही मैं माइनिंग लाइन में आ गया था, यानी जो मिनरल्स लाइन जो होती है, जो क्वार्ट्स फेल्स्पार माइका ये नाम आपने सुने ही होंगे, इसके अलावा जो गार्नेट है जो रूबी होता है, और इसके अलावा बैरूज है, ऐसे जो ये सब्स्टिट्यूट है पन्ने का, तो इस तरह के जो रत्न है इनकी मुझे नॉलेज आज की नहीं है, पिछले 10 सालों से मेरी इन पर रिसर्च चल रही है और मैं होलसेल में क्वांटिटी में ये मटेरियल सप्लाई भी करता हूँ, आगे जो जो मैन्युफैक्चरर हैं जो बनाते हैं उनको सप्लाई भी करता हूँ। और मैं इसका प्रूफ भी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कई साल पहले मैंने जो लीज लगाई थी वो फाइल है, और इसमें पूरा नक्शा और भारत सरकार की तरफ से जो लीज लगभग 187 हेक्टर एरिया जो था उसमें ये लीज लगी थी, वही मैं आपको डॉक्यूमेंट, यह है डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजिकल राजस्थान, और ये है, मेरा नाम है अमित शर्मा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं मेरा जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अमित कुदवाल यूज करता हूँ, कुदवाल मेरी गोत्र है, वैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो है अमित शर्मा, और ये मेरे पापा का नाम है श्री शंकरलाल जी शर्मा। क्वार्ट्स फेल्स्पार की ये रीज है, केकड़ी एरिया के अंदर ये मैंने लीज ली थी, और इसके साथ साथ के अंदर जो ये माइंस का जो पूरा नक्शा है जो लगभग 187 हेक्टर एरिया के अंदर अप्रूव हुआ था वो है ये। तो इन मिनरल्स की मुझे बहुत बारीक, मतलब मैं एक सेकंड में किसी भी रत्न को हाथ में लेकर ये बता सकता हूँ कि ये रत्न ओरिजिनल है या नहीं है, मतलब मुझे ज्यादा समय लगेगा ये। और ये जो डीप नॉलेज है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब आप किसी भी रत्न को देखकर बता देंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, और रत्नों की आज यहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम बात करने वाले हैं आज कन्या लग्न की कुंडली और उसमें युति। मान लीजिए लग्न के अंदर ये बुध देव बैठे हैं, बुध देव के साथ यहां पर बैठे हैं मंगल देव, और मंगल देव के साथ यहां पर एक ग्रह और मान लीजिए आप बैठे हैं राहु देव। तीन ग्रहों की युति है लग्न में ही, और लग्न कुंडली जो है वो है यहां पर कन्या लग्न, कन्या लग्न की यह कुंडली है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको यहां पर तीनों ही ग्रहों को अलग अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना। आप एक दूसरे को, इन एक दूसरे ग्रहों को मत देखिए, आप सोचिए कि भाई ये बुध ही यहां बैठा है, आप सोचिए राहु यहाँ बैठा है, आप सोचिए मंगल यहाँ बैठा है, यानी आपको तीनों को अलग करना है। अब आपको तीनों को अलग करके सबसे पहले ये कैलकुलेशन निकालनी है कि इस लग्न कुंडली में बुध योग कारक है या मारक, और इस लग्न कुंडली में मंगल योग कारक है या मारक,
और राहु तो क्या रिजल्ट देगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो बुध देव की बात करें तो वो इस कुंडली के अंदर है योग कारक। योग कारक क्यों है ये बुध देव है योग कारक। योग कारक क्यों है क्योंकि पहली चीज लग्नेश है, केंद्र अधिपति दोष लग्नेश को लगता ही नहीं है, दो राशियां जरूर है इनकी। और सेकंड नंबर मंगल देव, मंगल देव इस कुंडली में क्या है, देखिए मंगल देव को एक घर मिला अष्टमेश यानी आठवां घर। आठवां घर अच्छा नहीं होता है, 6-8 बार अच्छा नहीं होता है। और इसके साथ एक घर मिला अधिक मेहनत वाला, खपने वाला, तीसरे नंबर का हाउस। तो इस कुंडली में मंगल देव जो है वो है मारक, मारक ग्रह। तो अब आपको समझना यह है कि इनकी जो दशा है और अंतर दशा है वो कैसे परिणाम देगी। तो देखिए सबसे पहले मैं दशा महादशाओं के बारे में आपको बता देता हूं। महादशा जो है वो 70% तक रिजल्ट देती है, अंतर दशा 20% तक रिजल्ट देती है, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा ये 10% रिजल्ट देती है। इन तीन को तो आप भूल जाइए, मेन जो हमारे ऊपर असर होता है वो महादशा और अंतर दशा का होता है, उसमें मेजर रोल जो है वो है महादशा का। तो इस कंडीशन के अंदर यहां पर बुध देव की अगर महादशा चलेगी तो वो अच्छे परिणाम देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे उनकी दृष्टि, क्योंकि दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है, साथ साथ में जो हमारे लाइफ पार्टनर है उस पर पड़ रही है, और साथ में ही जो पार्टनरशिप है, डेली वेजेस है, ये जो हाउस है इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता। तो ये सारे हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इस घर के साथ साथ में बुध देव, क्योंकि स्वयं राशि में बैठे हैं लग्नेश होकर, तो इसके भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मंगल देव, सबसे पहली चीज मंगल देव जो है वो यहाँ पर मारक है, इनकी जब दशा और अंतर दशा चलेगी, अब आप बुध देव को भूल जाइए, अब मंगल देव की जब दशा और अंतर दशा चलेगी तो वह परेशानियां क्रिएट करेंगे, शारीरिक कष्ट भी होगा, मानसिक परेशानी भी होगी, दाम्पत्य जीवन में भी कले कलेश मचेगा, साथ साथ के अंदर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होगी और जो डेली इनकम है उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर दोनों ही ग्रह अलग अलग रिजल्ट देंगे अपनी अपनी दशा में, अपनी अपनी अंतरदशा और अपनी अपनी महादशा के अंदर। तो आप इस चीज को समझिए कि इनको सबको जोड़कर आपको नहीं देखना, अलग अलग दृष्टि से देखना। और राहु की बात करें तो आपको ये देखना है राहु देव किस राशि में बैठे हैं, वो मित्र है या शत्रु। तो राहु देव अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, तो राहु देव की जब दशा और अंतरदशा चलेगी तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी आपको, मतलब आपके जो पारिवारिक आपका जो जीवन है उसके लिए भी अच्छा है, यानी आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छा, आपके पार्टनरशिप के भी लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, आपके स्वयं के लिए भी अच्छा, क्योंकि लग्न जो है वो आप खुद ही हैं। तो इस कंडीशन के अंदर तीनों ही ग्रह अपनी अपनी दशा और अंतर दशा में परिणाम देंगे अलग अलग। लेकिन इस केस के अंदर भी आपको ये देखना है कि हमें कौन सा जो ग्रह है उसे शांत करना है, कौन सा जो ग्रह है उसे और ज्यादा एक्टिवेट करना है, और कौन सा ग्रह है उसे किस तरह से मैनेज करना है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, राहु देव की आपके चल रही है महादशा आपकी कुंडली के अंदर। अब उस कंडीशन के अंदर जो अंतर दशा है वो मंगल देव की चल पड़ी राहु देव के साथ, तो राहु देव तो पॉजिटिव रिजल्ट देना चाह रहे हैं क्योंकि इस हाउस के अंदर वो अच्छे हैं, क्योंकि मित्र राशि में बैठे हैं, जो बुध देव की जो राशि है उसमें बैठे हैं, और बुध देव के जो अति मित्र है राहु देव, तो इस कारण से राहु देव तो अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। लेकिन मंगल देव अपने 20% जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं देंगे, तो आपको यहाँ पर मंगल देव को शांत करना है, उनकी पूजा पाठ करनी है, उनकी आराधना करनी है, उनके आगे नमन करना है, हाथ जोड़ने हैं, विनती करनी है कि हे प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर बनाए। तो उस कंडीशन के अंदर मंगल देव की शांति से आपको राहु देव के अच्छे परिणाम मिलेंगे। और भी तरीके हैं, एक बीज मंत्र भी है, वो भी मैं आपको दूंगा, और इस तरीके से बताऊंगा कि आपको कोई माला वाला नहीं जपनी, आपको मजा आएगा मतलब उस बीज मंत्र के साथ भी, और आप फील करेंगे उसी दिन आपके लाइफ के अंदर बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, वास्तव में आपको लगेगा कि है पावरफुल चीज है। अब आप राहु देव को भूल जाइए, बुध देव अगर अंतर दिशा में साथ चलेंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। अब हम देते हैं बुध देव को, बुध देव की महादशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है, मान लीजिए या महादशा चल रही है, अगर बुध देव की महादशा चल रही है तो उस कंडीशन के अंदर अगर अंतर दशा मंगल देव की चली साथ में, तो मंगल देव को शांत करना है, बुध देव को नहीं, बुध देव अगर डिग्री वाइज कम है तो इनको एक्टिव करना है, और राहु देव की अगर अंतर दशा साथ में चल गई तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, एक भी बुरा रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि दोनों ही इस लग्न के अंदर अच्छे हैं। देन उसके बाद अगर मंगल देव की महादशा चली तो उस कंडीशन के अंदर आपको मंगल देव का नमन करना है, इनकी पूजा करनी है, आराधना करनी है, इनकी शांति करनी है,
क्योंकि पूजा पाठ से देव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कोई अगर ऐसा ग्रह है जो योग कारक नहीं है, मारक नहीं, मारक है, तो उस कंडीशन में उनकी पूजा आराधना और नमन से उनकी शांति होती है और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, और बीज मंत्र से भी हमें फायदा होता है इनकी दशा के अंदर। तो मंगल देव की अगर दशा चली तो क्योंकि वह इस कुंडली में मारक है, अच्छे घर के मालिक नहीं है, जैसे ही मंगल देव की दशा चलेगी तो तीन घर एक्टिवेट होंगे एक साथ। पहला ये घर एक्टिवेट होगा क्योंकि इस घर के मालिक हैं, दूसरा जो एक्टिवेट होगा वो ये घर एक्टिवेट होगा क्योंकि इस घर के मालिक हैं, और तीसरा जो जहां बैठे हैं वो भी एक्टिवेट होगा क्योंकि लग्न में वो स्वयं बैठे हैं। तो तीनों ही घर के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, परेशानियां चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां से मैं इनको हटा देता हूं, अभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि ये जो तीनों ग्रह हैं वो बैठे हैं इस हाउस के अंदर, यानी 8 नंबर हाउस के अंदर बुध देव बैठे हैं, साथ में मंगल देव बैठे हैं, और साथ में यहां पर बैठे हैं राहु देव। तीन देव बैठे हैं 8 नंबर घर के अंदर। अब मान लीजिए बुध देव की दशा चालू हुई, बुध देव की यहां पर महादशा चालू हो गई, और आपने रत्न पहन रखा है अगर मान लीजिए गलती से बुध देव का, तो समझ लीजिए आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई। क्यों? क्योंकि बुध देव मारक हो गए, अब योग कारक नहीं रहे, वो गलत घर में आकर बैठ गए। तो कोई योग कारक ग्रह अगर गलत घर में बैठ जाता है तो उस कंडीशन में वह मारक हो जाता है, अच्छे परिणाम नहीं देता है। इस चीज को आप बिल्कुल याद रख लीजिए। अगर आपने पन्ना धारण कर लिया तो मान लीजिए कि बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, काम में दिक्कतें आनी चालू हो जाएगी, मेंटल जो पीस है आपकी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, जो आपका ससुराल पक्ष है वहां भी कलह कलेश परेशानियां हो सकती है, क्योंकि ये जो हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है ससुराल को, जो लाइफ में दिक्कतें आती है, अड़चने आती है, कोई काम रुकता है बार बार, उसको साथ साथ में मेंटल पीस पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर बुध देव की महादशा चालू हो गई तो रत्न तो आपको पहनना ही नहीं है पहली चीज। तो अगर यहाँ बुध देव बैठे हैं तो आपने बोला भाई लग्नेश है, लग्नेश का रत्न पहनना चाहिए। बहुत से ज्योतिष हैं जो बोल देते हैं आपके तो लग्नेश जो बुध देव है इनका रत्न पहन लीजिए। वो बैठा कहाँ है वो देखना ही जरूरी है। इस कंफ्यूजन और इस मतलब पूरी ना जानकारी होने के कारण कभी कभी हम हमारा खुद का भी नुकसान कर लेते हैं। तो अब यहां पर बुध देव का नमन ही करना है, रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि योग कारक थे लेकिन मारक हो गए। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव वैसे स्वयं राशि में बैठ गए यहां पर, और यह जो योग बन रहा है, अगर मैं एक बात करूं, यही योग बन रहा है, ये विपरीत राजयोग बना। क्यों विपरीत राजयोग बना? लेकिन बना नहीं है, ये ध्यान रखना। विपरीत राजयोग क्यों? 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में बैठे। अब 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में बैठ तो गया, मंगल देव यहाँ बैठ तो गए, लेकिन विपरीत राजयोग में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि लग्नेश बली नहीं है, लग्नेश बलवान नहीं है, लग्नेश तो खुद ही गलत घर में बैठे हैं, तो ये योग काम ही नहीं करेगा। मंगल की दशा अंतरदशा परेशानी करेगी, दिक्कत देगी, तीन घर एक्टिवेट होंगे, ये तो होना ही है क्योंकि ये तो राशि भी खुद की है इनकी, और बैट भी उसी में गए, और हाउस भी गलत है, और ये भी यानी कि काम काज में भी परेशानी आएगी, मेहनत होगी, यात्राएं ज्यादा होगी, उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। देन उसके बाद राहु देव की बात करें तो राहु देव अब खुद ही गलत हाउस में बैठ गए तो रिजल्ट डेफिनेटली गलत ही देंगे, और ये तो इनकी शत्रु राशि भी है, तो दोनों ही तरीके से नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। राहु देव की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो दो ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, इनकी आपको शांति करनी है। ध्यान रखिए कि जिस देव की महादशा चल रही है उनकी शांति करनी है या उनको एक्टिवेट करना, उसके आधार पर आपका वो दौर है, जो समय है वो अच्छा निकलेगा। तो आपको एक ही ग्रह को उस समय पकड़ना है या उनका नमन करना है जिनकी दशा या महादशा चल रही है, और उस दशा और महादशा में करना क्या है वो मैं प्रॉपर वे में आपको समझा दूंगा, और उनके बीज मंत्र भी दूंगा, और इस तरीके से दूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना कोई माला का जाप करना ना कुछ करना, उस बीज मंत्र के माध्यम से सिर्फ कान में आप हेडफोन में सुन लीजिए, हेडफोन से सुन लीजिए या कान में आप ईयरफोन लगाकर सुन लीजिए, आपको उन मंत्रों से बहुत रिलीफ मिलेगा और वो काम करेंगे आपके ऊपर। कोई थर्ड पार्टी अगर आपके लिए मंत्र जाप करता है तो उतना उसका रिजल्ट नहीं मिलता है जितना आप स्वयं करें, क्योंकि आप जब स्वयं कोई मंत्र बोलते हैं तो आपके मुख से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो वाइब्रेशंस, वो कंपन आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम पर काम करते हैं, जो सबकॉन्शियस से भी कनेक्टेड है और साथ साथ में कनेक्टेड है आपकी ग्रंथियों से भी, जो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो ये एक साइंस है, विज्ञान है, इस पर बात करेंगे, एक बहुत
मतलब बेहतरीन लेवल पे बात करेंगे, आपको मजा आएगा समझने में। क्योंकि अगर आपने इस विज्ञान साइंस को समझ लिया तो आपको ये चीज तो समझ में आ ही जाएगी कि ये जो बीज मंत्र होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, ये किस तरह से हमारे पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये युति वाला कंसेप्ट समझ में आया हो, 2 या 3 ग्रहों की युति किस तरह से रिजल्ट देती है, तो कमेंट कीजिए इसी वीडियो के नीचे कि भाई आपको ये समझ में आ रही है। इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे और डीप नॉलेज और अच्छी से अच्छी समझाने की कोशिश करूंगा। और रत्नों के बारे में मैं आपको कह दूं कि कोशिश करूंगा कि बहुत ही बेहतरीन डील आपके लिए ला सकूं और फुल गारंटी वाली डील ला सकूं, जिससे आपके पास ओरिजिनल चीज पहुंचे, लिखित में गारंटी वाली चीज पहुंचे, और वो चीज पहुंचे जो वास्तव में जो माइंस हैं वहां से निकलकर प्रोसेस होकर डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो पैसों की भी आपके बचत होगी, श्योरिटी भी होगी, लिखित में गारंटी भी होगी, लैब रिपोर्ट भी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।